हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 9 अक्टूबर 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला आर्टिकल आया है बेसिकली वो आया गगनयान मिशन को लेके। तो हम देख लेते हैं कि कंटेक्स्ट है क्या। कंटेक्स्ट ये है कि गगनयान मिशन है उसे 2022 में लॉन्च करने की बात है, और अभी इंडिया का जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो और रशिया का जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोला जाता है रोसकोसमोस, तो उन दोनों ने मिलकर एक एमओयू है वो साइन किया है। मतलब गगनयान मिशन है जो कि बेसिकली इंडिया का है, ये एक्चुअली रशिया का जो स्पेस एजेंसी है उसके साथ मिलके इसको अंजाम है वो दिया जा रहा है। दोनों मिलके एक एमओयू साइन है वो किया है, क्योंकि देखो रशिया की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे पुराने मतलब काफ़ी लंबे टाइम से रशिया है वो स्पेस में काम कर रहा है, और इसीलिए इंडिया है वो वहाँ से हेल्प है या सपोर्ट है वो ले रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है, गगनयान मिशन है वो अकेला इंडिया नहीं कर रहा है, इसमें थोड़ा बहुत हाथ है, कॉन्ट्रीब्यूशन है वो रशिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहा जाता है रोसकोसमस, इसकी हेल्प से किया जा रहा है। अब होगा क्या, देखो देखो बात ऐसी है कि रशिया है उसने खुद ने अपने जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जिन्हें आप बोल सकते हो कि अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको स्पेस में काफी बार भेजा है, तो उनके पास इसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है कि कोई भी अंतरिक्ष यात्री जिसे अगर स्पेस में भेजना है तो उनको आसानी से भेज सकते हैं। बट इंडिया है वो पहली बार गगनयान मिशन के तहत ये प्लान कर रहा है कि 3 यात्रियों को स्पेस के अंदर भेजा जाएगा 5 से 7 दिनों के लिए, ताकि वो वहां पे जाके और मतलब एक तरीके से इंडिया की भी मैन के जो मेंस मिशन है वो भी सक्सेसफुल हो जाए। क्योंकि देखो अभी तक इंडिया ने सेटेलाइट तो काफी अच्छे लॉन्च कर दिए हैं, बट अभी इंडिया खुद कदम बढ़ा रहा है कि भाई वो इंसानों को भी स्पेस में भेजना शुरू करे, और इसी तर्ज पे बेसिकली गगनयान मिशन है वो तैयार है लॉन्च करने की बात है। अब देखो थोड़ा हम गगनयान मिशन के बारे में देख लेते हैं। इंडिया का पहला यह मैन्ड स्पेस मिशन है जिसमें 3 यात्री जाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया, और जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है उसमें बेसिकली जाएंगे और 5 से 7 दिन के लिए वहां पे स्टे करेंगे। और इसी के लिए ऐसा किया क्यों जा रहा है, क्यों देखो आजादी के हमारे 75 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसी उपलक्ष्य में ये रखा गया कि भाई कुछ ना कुछ तुम्हारा अचीवमेंट होना चाहिए, और उसी तर्ज पे बेसिकली गगनयान मिशन को अंजाम है वो दिया जाएगा। और उम्मीद की जा रही है कि GSLV Mark III जो सेटेलाइट लॉन्चर होता है उसकी लॉन्चर की हेल्प से बेसिकली स्पेस जो यात्री हैं या बोल सकते हो ये 3 जो मेंबर्स जाएंगे उनको बेसिकली एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा। अब देखो एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे कहाँ भी स्पेस में, ये बेसिकली जाएंगे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पे बेसिकली जाके स्टे हैं वो करेंगे। तो इस मामले में जो रोसकोसमोस है वो हेल्प करेगा कि भाई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पे ये लोग जाके और स्टे कर सकें, तो इसके लिए इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को मौका दिया जाएगा कि आप IISS पे जाके और वहां पे रुकिए और वहां पे थोड़ी बहुत स्टडी वगैरह कीजिए। अब अहम बात यहाँ पे क्या है, जो स्पेस क्राफ्ट बेसिकली यूज करने की बात है 2022 में उसका नाम है सोयूज। ये सोयूज स्पेस क्राफ्ट है, ये बेसिकली रशिया का बनाया हुआ है, तो ये भी थोड़ा हमें ध्यान में रखना है कि स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या है, सोयूज है। 2022 में इसको लॉन्च करने की बात है वो की जा रही है। अब देखो इंडिया ने जो गगनयान मिशन है ना 2022 के लिए, इसके लिए काफी कुछ तैयारियां पहले से कर रखी है। जैसे कि एक तो अभी इंडिया ने कुछ टाइम पहले ही पैड अबोर्ट टेस्ट एक्चुअली है इसको अंजाम दिया था, जिसका दूसरा नाम था क्रू एस्केप टेस्ट सिस्टम। क्रू एस्केप सिस्टम होता क्या है वो देख लेते हैं। देखो जब भी कई बार क्या होता है, हमने देखा है मूवी वगैरह में कि फाइटर प्लेन वगैरह होते हैं इनमें सडनली अगर आग वगैरह लग जाती है तो जो भी इनका ड्राइवर पायलट होता है वो क्या करता है, उसकी जो चेयर होती है वो मतलब बाहर एग्जिट हो जाती है उस फ्लाइट से, या जो आप बोल सकते हो कि जो भी विमान है उससे एग्जिट हो जाती है और वो बच जाता है, तो उसी सिस्टम को कहा जाता है क्रू एस्केप सिस्टम। मतलब जो इंजन होता है जो पूरा विमान हो गया उससे क्रू को अलग कर देती है, उसको एस्केप अलग करने के लिए बेसिकली जो टेस्ट किए जाते हैं उसको कहा जाता है पैड अबोर्ड टेस्ट या फिर क्रू एस्केप टेस्ट सिस्टम। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होता है कि इन केस ऑफ फ्यूचर गलती से भी अगर बाय चांस कुछ स्पेस क्राफ्ट में गड़बड़ आ गई और स्पेस यात्रियों को बचाना है तो वो अलग हो जाएंगे स्पेस क्राफ्ट से और उनकी जान बच सकती है, तो इसीलिए भी इस टेस्ट को भी अंजाम दिया गया था। तो UPSC क्रू एस्केप टेस्ट के बारे में भी पूछ सकती है और गगनयान मिशन के जो फैक्ट्स हैं इनके बारे में भी पूछ सकती है, तो उनको हमने यहाँ पे डिस्कस वो किया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है जेमएक्स के एक्सरसाइज के बारे में। तो जेमएक्स एक्सरसाइज है वो बेसिकली ज्वाइंट मेरीटाइम एक्सरसाइज है, पहली चीज ये ध्यान रखनी है कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में, दूसरा फैक्ट है तो यह इंडिया और जापान के बीच में एक मेरीटाइम एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया और जापान के बीच में जो मेरीटाइम रिलेशंस हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर काफ़ी अच्छा फोकस है वो करती है। बेसिकली 2012 से इसकी स्टार्ट है वो की गई थी, और अभी जो एडिशन है इसका वो बेसिकली इंडिया के विशाखापट्टनम में आयोजित है वो किया जा रहा है। तो यह ध्यान रखना है कि ज्वाइंट मेरीटाइम एक्सरसाइज है इंडिया और जापान की, उसका नाम है जेमएक्स।
नेक्स्ट जो आर्टिकल है देखो नोबेल प्राइज को लेके हैं, क्योंकि अभी तक नोबेल प्राइज की काफी लिस्ट है वो जारी की जा चुकी है, तो अब हम डेली एक एक नोबेल प्राइज को यहाँ पे डिस्कस है वो कर लेंगे। तो मेडिसिन के सेक्टर में इस बार जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो बेसिकली दो साइंटिस्टों को दिया गया है, एक साइंटिस्ट है वो है यूएसए बेस्ड और एक है जापान बेस्ड। नाम भी एक बार थोड़ा हम देख लेते हैं, यूएसए के साइंटिस्ट उनका नाम है जेम्स एलिसन और जो जापान के साइंटिस्ट हैं उनका नाम है टासुकु होंजो। तो टासुकु होंजो इन दोनों को दिया गया, इन्होंने भाई काम क्या किया पहले वो भी देख लेते हैं। देखो इन दोनों ही साइंटिस्टों ने कैंसर की ट्रीटमेंट की स्टडी के ऊपर काफी अच्छा फोकस किया है और इनकी जो थ्योरीज वगैरह हैं, इनकी जो रिसर्च है उसमें कैंसर ट्रीटमेंट में काफी हेल्प है वो मिली है। तो हम देखते हैं कि कैंसर में किस तरीके से उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह दिया है। देखो पहले तो हम ये जानने के कैंसर में होता क्या है, कैंसर में होता है कि हमारी बॉडी के कोई भी पार्ट है उसमें सेल्स हैं वो अनलिमिटेड तरीके से आप बोल सकते हो कि अनकंट्रोल्ड वे में ग्रोथ करने शुरू कर देते हैं। मतलब कि एक तो देखो सेल्स की ग्रोथ एक फिक्स साइकिल में होती है, एक ही होगी लगातार हर एनी टाइम बनना शुरू कर दें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरीके की गांठ सी बन जाएगी, कुबड़ सा आ जाएगा और वही से शुरुआत होती है कैंसर की। तो उस ग्रोथ को रोकने के लिए या फिर जो कैंसर सेल है उनको रोकने के लिए क्या किया जाता है, बेसिकली तो नॉर्मल कीमोथेरेपी वगैरह का इनका यूज किया जाता है। बट होता क्या है कि कीमोथेरेपी वगैरह में जो बॉडी की जो ओरिजिनल सेल होते हैं जो कि सही हैं जिनमें कैंसर के मतलब कैंसर नहीं है वो सेल भी खत्म हो जाती हैं, तो इससे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी खराब हो जाता है और इंसान काफी वीक भी हो जाता है और कई बार इंसान की जानें भी जा सकती हैं। तो इन साइंटिस्टों ने क्या किया, इन साइंटिस्टों ने बेसिकली जैसे दो प्रोटीन है जिनका नाम है, एक तो है CTLA4 और एक है PD-1 प्रोटीन। अब ये प्रोटीन क्या करते हैं पहले वो भी देखते हैं। देखो जो CTLA4 प्रोटीन है और या PD-1 जो प्रोटीन है ना, ये बेसिकली क्या करते हैं, जैसे ये मानो कि ये तो है कैंसर सेल और ये है मान लो सही सेल है, ये जो स्क्वायर वाली है ये है एकदम सही सेल है। अब जो ये प्रोटीन होता है ये क्या करता है, इन दोनों के बीच में एक लेयर का काम करता है, आपस में यहाँ लेयर बनी रहती है। तो ये क्या करता है, जो ही अगर ट्रीटमेंट या हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है अगर वो इन सेल को खत्म करने की कोशिश करेगा, जो देखो कैंसर सेल है ना जो कि आप बीच में देख रहे हो स्क्वायर वाली, इस सेल को खत्म करने की कोशिश करेगा तो प्रोटीन क्या है इसके चारों तरफ लेयर बना के रह रहा है। अगर ये प्रोटीन की लेयर है तो प्रोटीन इस सेल को खत्म नहीं करने देता, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम है वो इस प्रोटीन की वजह से इस सेल्स को जो कैंसर की सेल है इसे खत्म नहीं कर पाता है। तो एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि जो CTLA प्रोटीन या PD-1 प्रोटीन होता है ये बेसिकली कैंसर सेल को प्रमोट करता है, उनकी रक्षा करता है, तो कहीं ना कहीं इसे खत्म करना होगा। तो बेसिकली साइंटिस्टों ने CTLA-1 प्रोटीन और या PD-1 जो प्रोटीन है इन्हें खत्म करने के लिए, ताकि जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो कैंसर सेल को खत्म कर सके, इसके लिए रिसर्च है वो किए। तो इसी टेक्नोलॉजी या इसी रिसर्च को काफी अच्छे मतलब एक बात बोल सकते हो कि कैंसर ट्रीटमेंट में यूज है वो किया जा सकता है और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज है वो दिया गया है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि इनको नोबेल प्राइज है वो दिया क्यों गया। अब देखो हमने इतनी सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की हैं, यूपीएससी बेसिकली ये सब तो नहीं पूछने वाली, बट अगर हमने इतनी सारी चीजें डिस्कस की हैं तो हमें एटलीस्ट याद रह जाएगा कि मेडिसिन के सेक्टर में कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली दो साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज है वो दिया गया है, एक यूएसए एक जापान बेसिकली। नाम याद रखने की कोई इतनी जरूरत है वो हमें नहीं है, यूपीएससी बेसिकली नाम पे इतना फोकस है वो नहीं करती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है एयर सेफ्टी ओवरसाइट स्कोर के बारे में। देखो अभी कुछ टाइम पहले ही आपको बताया कि इंटरनेशनल जो सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है ICAO उसने बेसिकली इंडिया के अंदर जो एयर सेफ्टी वगैरह हैं उनके लिए जो सर्वे वगैरह या ऑडिट है वो किया था, तो अभी उसी ऑडिट का रिजल्ट है वो आया है। तो देखो जो ऑडिट या आप बोल सकते हो कि इंडिया में सिविल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनके जो रिजल्ट है वो खैर इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, इवन हमारे जो पड़ोसी देश हैं म्यांमार हुआ पाकिस्तान हुआ इनसे भी हमारी हालत है वो खराब ही रही है। इस बार की हमारी रैंकिंग है वो रही है 57 और लास्ट टाइम पे हमारे जो स्कोर था वो था 66, मतलब हमारा इस बार है एयर सेफ्टी को लेकर हमारे स्टैंडर्ड्स वगैरह काफ़ी कम हुए हैं, तो उसी को लेकर बेसिकली ये स्कोर है या ये इंडेक्स या आप बोल सकते हो कि ये डाटा जारी किया गया है सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब देखो एक सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है पहले कि भाई हमारे देश के अंदर एयर सेफ्टी है उसके स्टैंडर्ड्स वगैरह को सही ढंग से फॉलो नहीं किया जा रहा, इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों हमारा स्कोर इतना कम रहा। देखो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे देश में जो भी फ्लाइट्स वगैरह होती हैं इनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जबकि हम जानते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो एक स्वतंत्र बॉडी नहीं है, मतलब वो कहीं ना कहीं सरकार के इन्फ्लुएंस में काम करती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर बॉडी स्वतंत्र ही नहीं है तो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और इसीलिए हमारा स्कोर है वो कम रहा है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि भाई हमारा स्कोर है वो कम क्यों रहा है।
अब हम थोड़ा देख लेते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखो ICAO हुआ है वो बेसिकली यूएन की स्पेशल एजेंसी है जो कि बेसिकली 1947 में बनाई गई थी शिकागो कन्वेंशन के तहत। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है वो 1947 में शिकागो कन्वेंशन हुई थी उसके बाद बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वो बेसिकली कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। और इसका काम क्या है कि जो भी इंटरनेशनल सिविल फ्लाइट्स वगैरह होती हैं वो फ्लाइट्स होती हैं उनके स्टैंडर्ड्स वगैरह को फुलफिल करना, उसके लिए गाइडलाइंस वगैरह जारी करना, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करना और इसी के साथ ही टाइम टू टाइम ऑडिट वगैरह करना ताकि सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। तो ये हमें ICAO के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है ग्लोबल जियो पार्क को लेके। तो देखो अभी रिसेंटली इसके बारे में 2-3 आर्टिकल आ चुके हैं या 2-3 बार आर्टिकल हम देख चुके हैं। ग्लोबल जियो पार्क है वो बेसिकली जिस तरीके से यूनेस्को आपको बताया कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देता है उसी तरीके से ग्लोबल जियो पार्क का दर्जा है वो दिया जाता है। बट इसमें 2-3 चीज़ों का डिफरेंस है। जैसे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अगर उसका दर्जा एक बार मिल गया मतलब फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बार बार रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होती है। बट जो ग्लोबल जियो पार्क का दर्जा होता है वो बेसिकली हर 4 साल के अंदर रिन्यू करवाना पड़ता है, अदरवाइज धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। तो हम देख लेते हैं कि ग्लोबल जियो पार्क है क्या। देखो ग्लोबल जियो पार्क है वो बेसिकली इंटरनेशनल जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के जो साइट्स हैं उनको कंजर्व करने, मैनेज करने, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए दिया है वो जाता है। जिस तरीके से यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दिया जाता है उसी तरीके से ग्लोबल जियो पार्क का दर्जा है वो दिया जाता है। इसमें देखो बात हम करें तो अभी तक ऑल ओवर वर्ल्ड में 38 कंट्रियों में 140 साइट्स को आइडेंटिफाई है वो कर लिया गया है और यूनेस्को के द्वारा ही ये ग्लोबल जियो पार्क का दर्जा है वो दिया जाता है। और इसमें बॉटम अप्रोच को फोकस किया जाता है, मतलब इसमें जो कम्युनिटी होती है, लोकल कम्युनिटी होती है, उसकी हेल्प से जो भी इन्वायरमेंट आप बोल सकते हो या फिर जो भी साइट्स है उसको कंजर्व करने पे फोकस किया जाता है ताकि जो समुदाय है वो भी उसके प्रति थोड़ा अपना अट्रैक्शन रखे और उस चीज को प्रोटेक्ट भी किया जा सके। तो ये इसकी अप्रोच का मेथड है वो होता है। अब हम भैया हम ये भी देखते हैं कि इंडिया की कौन सी साइट्स वगैरह इसमें इंक्लूड करने की बात वगैरह की जा रही है या कि न्यूज में क्यों। तो देखो बेसिकली इंडिया की 2 साइटों को इसमें इंक्लूड करने की बात अभी चल रही है। एक तो है लोनार लेक जो कि महाराष्ट्र में, और एक है सेंट मेरी आयरलैंड एंड मेपले बीच। तो ये मेलपे बीच ये है बेसिकली कर्नाटका में, जिसको बेसिकली कोकोनट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों ही नाम हमें ध्यान में रखने की कोकोनट आइलैंड क्या है या फिर सेंट मेरी आइलैंड एंड मेलपे बीच। अब देखो हम थोड़ा इनके बारे में भी स्टडी है वो कर लेते हैं। जो लोनार लेक है जो लोनार लेक है महाराष्ट्र में, ये बेसिकली वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी लेक है जो कि मेट्रोइड के टकराने से या फिर उल्कापिंड के टकराने से बनी है। मतलब हमारी अर्थ के ऊपर उल्कापिंड टकराया और उसके फलस्वरूप जो बेसाल्टिक रॉक में जो लेक बनी है उसका नाम है लोनार लेक। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि लोनार लेक है कहाँ पे, महाराष्ट्र में, और उसका फीचर क्या है कि भाई उल्कापिंड के टकराने से बनी हुई एकमात्र लेक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे ग्लोबल जियो पार्क का दर्जा है वो 4 साल में एक बार दिया जाता है, उसका रिव्यू है वो बेसिकली होता है। मतलब स्थायी नहीं है, हर 4 साल में रिव्यू है इसका, मतलब उसको ग्रीन कार्ड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद वापस से रिव्यू होता है, अगर रिव्यू में पता चल रहा है कि भाई जो भी स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं उनको फुलफिल नहीं किया गया है तो उसको येलो कार्ड दिया जाता है। मतलब कि 2 साल का टाइम दिया जाता है कि भैया आप थोड़ा वापस इस पर ध्यान की दीजिए और इस साइट को अगर आपको ग्लोबल जियो पार्क का दर्जा दिलाना है तो जो भी स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं उनका फुलफिल कीजिए। तो उन 2 साल में अगर उनको फुलफिल कर लिया गया तो वापस से ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, अगर उन 2 साल में भी उन्होंने जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको फुलफिल नहीं किया तो रेड कार्ड मिल जाएगा, मतलब उसको ग्लोबल जियो पार्क का दर्जा है वो नहीं रहेगा। तो ये बेसिकली इसकी थोड़ी प्रोसीजर वगैरह होती है, तो हमने इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस है वो किया है। ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो एक बार हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने गगनयान मिशन के बारे में जाना जो कि अभी रशिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया की जो इसरो है इन दोनों ने मिलकर MOU साइन किया है। इस MOU के तहत ये प्रावधान किया गया है कि भाई रशिया का जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली इंडिया के एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने की अनुमति है या सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाएगा। इसके साथ ही हमने जेमेक्स एक्सरसाइज के बारे में जाना जो कि जापान और इंडिया के बीच में मेरीटाइम एक्सरसाइज है। इसके साथ ही हमने मेडिसिन के क्षेत्र में जाना कि 2 नोबेल प्राइज दिए गए हैं 2 साइंटिस्टों को बेसिकली, एक तो जेम्स एलिसन और एक है टासुकु होंजो, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने बहुत अच्छा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। इसके साथ ही हमने जाना कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसने एयर सेफ्टी ओवरसाइट स्कोर है वो रिलीज किया है जिसमें ये
सामने आया है कि भाई इंडिया के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, और इसकी रिजल्ट क्या होगा, इसका देखो रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर इंडिया का स्कोर कम आता है तो इंडिया क्या कर पाएगा, जो अदर कंट्रीज हैं जो किसी यूएस हुआ, यूके जैसी कंट्रीज हुई, वहां पे अपनी फ्लाइट्स हैं वो उनको बढ़ा नहीं पाएगा, मतलब जो फ्लाइटें चल रही हैं उन पे भी थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन वगैरह लग सकती हैं। इसका हेडक्वार्टर है वो हमने जाना कि मोनिटेल कनाडा में है। इसके साथ ही हमने ग्लोबल जियो पार्क के बारे में जाना, जो कि यूनेस्को के द्वारा ये दर्जा वो दिया जाता है, जिस तरीके से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है उसी तरीके से ये दर्जा वो दिया जाता है, और ये हर 4 साल में इसको रिन्यू करवाना जरूरी होता है। तो ये थी हमारी डिस्कशन, फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।